हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चे बड़े सबके लिए बहुत ही हेल्दी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाएं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम डेट्स। डेट्स के बीज मैंने निकाल दिए हैं, और ये 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम कैसनट्स। तो अभी मैं इस सबसे पहले इन्हें ग्राइंड करूंगी। पहले मैं बादाम को ग्राइंड करूंगी, उसके बाद काजू किशमिश डालूंगी, फिर मैं डेट्स डालूंगी। यहाँ पे मैंने बादाम काजू किशमिश को क्रश कर लिया है, ये रफली क्रश किया है, कुछ बहुत मेहनत नहीं करना है इसको। अब मैं डेट्स को थोड़ा क्रश करूंगी। ये मैंने डेट्स को रफली क्रश कर लिया, अब मैं इसमें इस मिक्सचर को मिक्स करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चे बड़े सबके लिए, बुजुर्गों के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये, उन्हें एनर्जी मिलेगा। अब बच्चों को डेली एक लड्डू खिलाएं। बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, पर उन्हें लड्डू बहुत पसंद होता है, तो डेली उन्हें एक लड्डू खिलाएं। ये देखिए, ये डेट्स में मेरे वो जो ड्राई फ्रूट्स थे, काजू किशमिश बादाम, वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और ये अच्छे से बाइंड भी हो रहे हैं। अब मैं इनके लड्डू बना लूंगी। अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूंगी। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं, और ये फटाफट बन गए, 5 मिनट में मेरे ये लड्डू बन गए। इसमें मैंने घी और चीनी कुछ भी यूज नहीं किया है, क्योंकि डेट्स बहुत ही मीठे होते हैं, इसमें किशमिश था वो भी बहुत मीठा होता है। आप इसमें और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, अखरोट, कुछ और भी ड्राई फ्रूट, और ये ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट में हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स मुझे लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।